हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल अनमोल वचन। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ छोटे और पतले बालों को लंबा और घना बनाने के सफल तरीके। हम गर्ल्स के बहुत ही ज्यादा चाह होती है लंबे हेयर्स की, और जब हमारे हेयर टूटते हैं और झड़ने लगते हैं, हमारे हेयर डैमेज्ड होते हैं, रूसी होती है, सर में पिंपल्स होने लगते हैं, तो हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और फिर बाजार से या ऑनलाइन हम अपने हेयर को ठीक करने के लिए केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आपके लिए इन सब से छुटकारा पाने के लिए एक ऐसा ऑयल लेकर आई हूँ जो आप अपने घर पर बहुत ही अच्छे से आसानी से बना सकते हैं, जिससे आपके हेयर ज्यादा लंबे और घने हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको हमारी वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो आइए अब जानते हैं कि इसे हमें बनाने के लिए किन किन सामग्री की आवश्यकता है। पहला अदरक, दूसरा लहसुन, तीसरा नारियल का तेल, चौथा थोड़ा पानी। अब जानते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें कैसे क्या करना है। सबसे पहले हम अदरक को अच्छे से छीलकर धोकर और उसे कद्दूकस में कस कर लेंगे। इसके बाद अब एक लहसुन को भी छीलकर उसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, बॉइलिंग। फिर एक पैन में आप एक कप पानी डाल दीजिए और उसे गैस पर डाल दीजिए। जब वो थोड़ा गर्म हो जाए तो उसमें आपको लहसुन और अदरक डाल देना है और इसे 5 से 10 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए छोड़ देना है। इसके बाद आप उस मिक्सचर को ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए और फिर उसे छन्नी में छान लीजिए। अब जान लेते हैं कि इसे हमें लगाना कैसे है। सबसे पहले आप एक बाउल में 2 या 3 चम्मच गार्लिक जिंजर वाटर, जो आपने मिक्सचर किया है, वो ले लीजिए, और 1 चम्मच नारियल का तेल ले लीजिए या आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद आप इसे अपने सर पे स्कैल्प बाय स्कैल्प लगाइए, यानी कि बालों की जड़ों में लगाना है, और इसे फिर 25 से 30 मिनट के लिए मसाज कीजिए। आप इसे पूरी रात के लिए भी छोड़ सकते हैं, या आप 2 घंटे बाद इसे ठंडे पानी से वॉश कर सकते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपको इस ऑयल को लगाने से आपके स्कैल्प में हल्की सी भी कोई भी प्रॉब्लम आए, तो इसमें आप हनी भी ऐड कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो ऑयल मैंने बनाया है, इसकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो सर को वॉश करने के लिए आप सर पे पहले नींबू लगा लीजिए और फिर इसे वॉश कर लीजिए। इससे आपके सर की बदबू भी निकल जाएगी। मैं आपको एक और बात बता दूं, जो आपने ये लहसुन अदरक का जो आपने पानी बनाया है, इसे आप फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल अनमोल वचन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।